ऑटो वाले। जी हाँ, हम ऑटो वालों की बात कर रही। कई दफा ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ ऑटो वाले की दादागिरी से परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऑटो वाले अच्छे भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु तकनीकी रूप से काफी उन्नत है। बेंगलुरु से ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जो लोगों से जुड़ने और खोई हुई चीज वापस करने के लिए तकनीक का सहारा लेती है। टेक सिटी से ऐसी ही घटना तेजी से वायरल हो रही है। ट्विटर यूजर श्रीदिका द्वारा पोस्ट की गई कहानी में बेंगलुरु के एक तकनीक प्रेमी ऑटो ड्राइवर को दिखाया गया। पोस्ट के मुताबिक श्रीदिका काम पर जाते वक्त अपने एयरपॉड्स ऑटो में ही छोड़ गई। हालांकि आधे घंटे के भीतर अपने महंगे गैजेट को वापस पाकर वो हैरान रह गई। पता चला कि ऑटो चालक ने अपने वाहन में एयरपॉड्स पाया, उन्हें मालिक का नाम खोजने के लिए कनेक्ट किया और सही मालिक तक पहुंचने के लिए अपने फोन पे का इस्तेमाल किया। ऑटो में अपना एयरपॉड भूलने के बाद ये महिला चली गई थी, लेकिन ड्राइवर ने उसे वापस करने के लिए बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया और इसकी जानकारी भी श्रीदिका ने ट्विटर पर दी। ट्विटर पर जानकारी देते हुए श्रीदिका ने कैप्शन में लिखा, एक ऑटो में यात्रा करते समय मेरा एयरपॉड्स खो गया। आधे घंटे बाद ये ऑटो चालक जिसने मुझे वीवर्क पर छोड़ा था गेट पर आया और सुरक्षा कर्मियों को वापस दे दिया। जाहिर तौर पर उसने मालिक का नाम खोजने के लिए एयरपॉड्स को कनेक्ट किया और मुझ तक पहुंचने के लिए अपने फोन पे लेन देन का उपयोग किया। लोग ऑटो चालक की उपस्थिति से पूरी तरह प्रभावित थे। इस पोस्ट पर 9000 से ज्यादा लाइक्स हैं। लोग कमेंट सेक्शन में ये बताने की लुभ पड़े कि कैसे इस घटना ने मानवता में उनके विश्वास को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।